रायगढ़ जिले के चक्रधर नगर थाना क्षेत्र में बुधवार की सुबह लुटेरी युवतियों ने मकान मालकिन को बंधक बनाकर लाखों की लूटपाट कर ली। घटना की शिकायत के बाद चक्रधर नगर थाना पुलिस ने तीनों लुटेरी युवतियों को रायगढ़ रेलवे स्टेशन चौक स्थित शिवम होटल के पास से गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ जिले में चक्रधर नगर थाना क्षेत्र के सूर्य विहार कॉलोनी में गेट के करीब एक मकान में तीन युवतियों ने डकैती को अंजाम दिया। मकान मालकिन शालिनी अग्रवाल ने बताया कि उनके घर में काम करने वाली बाई और उसकी सहेलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। शालिनी अग्रवाल ने बताया कि वह नहाने गई थी, जैसे ही वह बाथरूम से निकली तो काम वाली बाई और उसकी दो सहेलियों ने उस पर हमला कर दिया, इससे वह बेहोश हो गई। फिर उन्हें बंधक बनाकर तीनों ने करीब 50,000 रुपए कैश और करीब 7 लाख रुपए की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। सुबह 8 बजे मेरी जो मेड आती है वो आई थी काम पे, उसके बाद घर की सफाई की, साफ सफाई पूरा जैसे जो काम करती है, डस्टिंग की, झाड़ू पोछा की, सब कुछ करी। उसके बाद मेरे को आके 3-4 बार पूछे अब कब नहाने जाओगे। मेरे को पूजा नहीं करना था तो मैं आज लेट से नहा रही थी, तो मैं बोली कि हाँ मैं जा रही हूँ नहाने। तो मैं जैसे ही नहा के निकली और अचानक से मेरे पे 3 जन अटैक किए, मैं एकदम सेंसलेस हो गई। जब थोड़ा सा सेंस आया तो मेरे चारों हाथ पैर बंधे हुए थे, मुँह में पट्टा था, गले वाले सब कुछ बांध के और मेरे मुंह पे पूरा पिलो से कवर करके दबा दिए। मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी। फिर मैं उनको बोली कि मैं कुछ भी नहीं करूँगी, चिल्लाऊंगी भी नहीं, तुम लोग को जो करना है कर लो। फिर मेरे अलमारी के कीज लेके सारा कैश और ज्वेलरी लेके भाग गए। 50,000 करीब कैश था और 6-7 लाख का गोल्ड था।